इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में आप लोगों ने अदर वर्ड के रूप में या फिर आप कह सकते हैं कम्प्लीमेंट अर्थात वाक्य के पूरक के रूप में एडजेक्टिव का प्रयोग सीखा। इस एक्सरसाइज में आप अदर वर्ड के रूप में नाउन का प्रयोग सीखेंगे। जैसा कि आपको मैंने इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में भी बताया था, यदि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, हैं, हो इत्यादि मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, तब हम सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर प्रयोग करते हैं। आई के साथ हमेशा एम प्रयोग में आता है, वी के साथ हमेशा आर प्रयोग में आता है, यू चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, हमेशा यू के साथ आपको आर प्रयोग करना है, और सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहे, इट मीन्स ही सी इट और सिंगुलर नाउन, अर्थात ऐसी संज्ञा जो कि एक वचन में हो, तो इनके साथ हमेशा आपको इस प्रयोग करना है, और यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर रहे, इट मीन्स दे या फिर प्लूरल नाउन्स, अर्थात ऐसी संज्ञा जो कि बहुवचन में हो, तो इनके साथ हमेशा आपको आर प्रयोग करना है। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस अदर वर्ड। इतना मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में भी बताया था। ठीक है, आज के इस एक्सरसाइज में जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा कि आप अदर वर्ड के रूप में नाउन का प्रयोग सीखेंगे, तो इसके लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा, तभी आप सारे बेसिक कंसेप्ट समझ पाएंगे प्रैक्टिकली। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अब जैसा कि यहाँ पर पहला सेंटेंस है, राधा नर्स है। ठीक है, तो राधा यहाँ पर सब्जेक्ट है ना, तो पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे राधा। अब राधा क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो सिंपली इसके साथ हम क्या करेंगे, इज प्रयोग कर लेंगे। अब यहां पर आपको समझना है, देखो नर्स क्या है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, अर्थात यह एक ऐसी संज्ञा है जो कि एक वचन में है और इसकी गिनती की जा सकती है। तो यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर रहे अर्थात एक वचन में हो, यहाँ पर राधा क्या है, राधा कहने से किसी एक लड़की का बोध होता है। ठीक है, तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर रहे एक वचन रहे, और यदि अदर वर्ड के रूप में जो नाउन हो वो यदि काउंटेबल हो, तो उस नाउन के पहले आपको प्रोनाउंसिएशन के विचार से ए या फिर एन प्रयोग करना है। यदि उस नाउन का प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड आएगा तो उसके पहले आपको एन प्रयोग करना है, और यदि उस नाउन का प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंट साउंड आएगा तो उसके पहले आपको ए प्रयोग करना है। ठीक है, तो राधा आ गया, राधा के अकॉर्डिंग इज आ गया। अब अदर वर्ड के रूप में क्या है, नर्स, और नर्स का जो प्रोनाउंसिएशन होता है कंसोनेंट साउंड आता है, इसलिए नर्स के पहले आपको ए प्रयोग करना है। ठीक है, राधा नर्स है, राधा इज ए नर्स। अगला सेंटेंस है, गोपाल बाबू किसान है। ठीक है, तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, गोपाल बाबू इज ए फार्मर। फार्मर का प्रोनाउंसिएशन क्या आता है, कंसोनेंट साउंड आता है, इसलिए यहां पर मैंने ए प्रयोग किया है। ठीक है, शशि शेखर लेखक हैं। शशि शेखर इज ए राइटर। राइटर का जो प्रोनाउंसिएशन होता है कंसोनेंट साउंड आता है। ठीक है, इसलिए यहां पर मैंने ए प्रयोग किया है। आप लोग डॉक्टर हैं, तो पहली बात तो आप लोग के लिए आपको यू प्रयोग करना है। ठीक है, और यू चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, हमेशा इसके साथ हम आर प्रयोग करेंगे। बट यहां पर आपको समझना यह है, यदि सब्जेक्ट अर्थात जो करता है यदि वो प्लूरल नंबर हो अर्थात बहुवचन हो, देखो यदि यहां पर रहता कि आप डॉक्टर हैं या फिर आप एक डॉक्टर हैं, जैसे कि तुम या फिर आप, ठीक है, तुम या आप कहने से किसी एक व्यक्ति का बोध होता है, तो यदि हिंदी वाक्य में तुम या आप प्रयोग में रहेगा तब वहां पर आपको क्या करना है, यदि कंप्लीमेंट के रूप में कोई नाउन रहेगा जो कि काउंटेबल रहेगा तो उसके पहले आपको ए एन प्रयोग करना है। बट यदि सब्जेक्ट के रूप में तुम लोग या फिर आप लोग रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। तब यदि अदर वर्ड के रूप में कोई काउंटेबल नाउन रहेगा तो उसे भी आपको प्लूरल बनाना है, जैसा कि यहां पर है, आप लोग डॉक्टर हैं। आप लोग कहने से एक से अधिक व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है, तो
तो यू के साथ पहले हम आर प्रयोग कर लेंगे। अब डॉक्टर क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो इसे हम क्या करेंगे, प्लूरल बना देंगे, बहुवचन बना देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, डॉक्टर्स। आप लोग डॉक्टर हैं, यू आर डॉक्टर्स। वे लोग कलाकार हैं, दे आर आर्टिस्ट्स। पुरुषोत्तम कुमार सचिव हैं, सेक्रेटरी। पुरुषोत्तम कुमार इज ए सेक्रेटरी, पुरुषोत्तम कुमार सचिव हैं। वह बढ़ई है, ही इज ए कारपेंटर। तुम वकील हो। अब जैसा कि यहां पर है, देखो यहां पर आप लोग के लिए हम यू प्रयोग किए, ठीक है, तुम के लिए भी तो हम यू प्रयोग करेंगे, बट यहां पर क्या है कि आप लोग कहने से एक से अधिक व्यक्ति का बोध होता था, तो मैंने काउंटेबल नाउन को प्लूरल बना दिया। अब यहां पर देखो, तुम कहने से किसी एक व्यक्ति का बोध होता है, ठीक है, तो यहां पर जो अदर वर्ड के रूप में आपको नाउन रहेगा, जैसा कि यहां पर है वकील, ठीक है, तो इसके पहले आपको क्या करना है कि प्रोनंसिएशन के हिसाब से आपको ए या फिर एन प्रयोग कर लेना है, क्योंकि सब्जेक्ट जो हिंदी वाक्य का जो सब्जेक्ट है, तुम या फिर आप कहने से किसी एक व्यक्ति का बोध होता है। बात समझ में आ गई, तो तुम वकील हो, तो कैसे बनाएंगे, यू आर एन एडवोकेट। अब यहां पर एक चीज और आप समझ लो, जैसा कि मैंने वकील के लिए एडवोकेट प्रयोग किया, चूंकि एडवोकेट का प्रोनंसिएशन वोवेल साउंड आता है, तो यहां पर मैंने एन प्रयोग किया, बट यदि इसी स्थान पर यदि मैं लॉयर प्रयोग करूंगा, तो उसके पहले मैं ए प्रयोग करूंगा, क्यों, क्योंकि लॉयर का जो प्रोनंसिएशन होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड आता है। बात समझ में आ गई, तुम वकील हो, यू आर एन एडवोकेट, या फिर यू आर ए लॉयर। वह संपादक है, He is an editor. वह कलाकार है, He is an artist. सोहन जादूगर है, सोहन इज ए मैजिशियन। राम शिक्षक है, राम इज ए टीचर। बलराम बाबू ड्राइवर हैं, बलराम बाबू इज ए ड्राइवर। शंकर दुबे पुरोहित हैं, शंकर दुबे इज ए प्राइस्ट। रवि भूषण अफसर हैं, रवि भूषण इज एन ऑफिसर। वे फेरी वाले हैं, दे आर हॉकर्स। राजदेव सिंह नाटककार है,
राजदेव सिंह इज ए ड्रामाटिस्ट, राजदेव सिंह नाटककार है, वह देवदूत है। ही और सी इज एन एंजल। मदन मोची है, मदन इज ए कॉबलर। वे व्यापारी हैं, दे आर ट्रेडर्स। वे विक्रेता हैं, दे आर सेलर्स। रोहन दूत हैं, रोहन इज ए मैसेंजर। चेतन भगत उपन्यासकार हैं, चेतन भगत इज ए नोवेलिस्ट। चेतन भगत उपन्यासकार हैं, चेतन भगत इज ए नोवेलिस्ट। आई होप कि आज का क्लास आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।